बिहार के बक्सर में एक विवाहिता उस वक्त अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई जब उसे अपने पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला। दरअसल विवाहिता ने बताया कि साल 2013 में उसकी शादी बक्सर के रहने वाले नमो नारायण चौबे के साथ हुई थी, लेकिन शादी के एक साल बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आपको बता दें, तभी से विवाहिता अपने मायके में रह रही थी, लेकिन उसे अचानक सूचना मिली कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। सूचना मिलने पर वो 14 फरवरी की शाम को पांडे पट्टी स्थित अपने ससुराल पहुंच गई, जहां अगले दिन तक ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। विवाहिता के धरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता सहित सास को हिरासत में ले लिया है। क्या परेशानी है, क्या दुख है? कोई नहीं बचा है जो हमको इस घर में रखवा दे, तो किसी की हिम्मत नहीं है। आपका घर है, क्यों नहीं रखवाएगा कोई? मतलब आप अपने घर में बाहर बैठी हुई हैं, क्यों ऐसा कर रही है? कोई नहीं बचा हुआ है क्या? कहीं प्रयास किया आपने? कोई थाना कचहरी सब डिपार्टमेंट, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई ना? नहीं। पति तो आपके सीआरपीएफ में है ना? तो वहाँ बात नहीं की कभी आपने? हमेशा होती है। उन लोगों का क्या कहना है? नहीं रखेगा। नहीं रखेगा? हाँ। तो आपसे तो भाई इन्होंने सामाजिक शादी की होगी ना, तो फिर पति का नाम तो बता सकती है ना कम से कम? नमो नारायण चौबे। रख नहीं रहे तो आप कब तक यहाँ बैठे रहिएगा? जब तक आता नहीं है। घर ही में है ना वो? तो नहीं। हाँ, यहाँ कौन रह रहा है? सास ससुर। अंदर नहीं कर रहे हैं आपको? आपको नहीं। और सोतन आपके अंदर है? वो नहीं पता। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि विवाहिता रात में अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठी थी, लेकिन ससुराल पक्ष ने घर का गेट नहीं खोला। का भई रहल है जा? आ भई रहल है कि आके बैठल बड़ी अपना द्वार पर। जी। आप फोर्स आइल हा, आइल हा, केवाड़ी है चिकावल हा, बोलल हा, खूब बोलाइल हा, अब भीतरों के केवाड़ी बंद करके सूति गई और बोलते नहीं थी। तब जरा से पूछाइल हा कि रात भर का कहा ला कि कहाँ रहू, तो ई कहते कि हम कहीं जाए ना, हम ये रहो तो अपन अब ये बारी करो। आप पुलिस के फोन करनी है? थाना में फोन करनी है? आई रहो बात भइल सब अब ठीक नहीं है। बड़ा हुआ रहनी है ना? ही दरोगा जी रहनी है? का करनी है? बड़ा कहनी है कि क्या खाला कि ठीक है बात तब रही आओ फोर्स जाते नहीं विदा करे रहा महिला पुलिस। अब महिला पुलिस और एक सेक्शन फोर्स रही आई लोग अगुरी लोग का ठीक। बड़ा और पर्चा मनिल यादव कहाँ ही रहा? चकदा। आपको बता दें विवाहिता का पति सीआरपीएफ में है। आरोप है कि पीड़िता को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती रही है, जिसके लिए वर्ष 2014 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।